भारतीय किसान संघ जिला मंडी के जिला अध्यक्ष टेकचंद ठाकुर ने जारी किए गए अपने एक प्रेस बयान में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि बिलों का कुछ किसान संगठनों द्वारा विरोध किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इन बिलों को वापसी के बजाय इन्हें संशोधनों के साथ पारित किया जाए। उन्होंने मांग की है कि इन बिलों में संशोधन करते हुए किसान का कोई भी उत्पाद MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे ना बिके और MSP का कानूनी प्रावधान हो। वहीं किसानों के लिए उनके गृह जिले में ही कृषि न्यायालय का गठन हो ताकि किसानों से संबंधित सभी विवादों का शीघ्रता से निपटारा हो सके। सेविदा खेती करने वाले कंपनियों का किसान का उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य किया जाए और कंपनियों का पंजीकरण सरकारी पोर्टल पर हो। बैंक में कंपनियों की जमानत राशि बैंक गारंटी हो और उसकी सूची भी पोर्टल पर हो, जिसे देखकर कृषि किसान अपने कृषि उत्पाद बेच सके। भारतीय किसान संघ ने यह भी मांग की है कि कंपनियों को किसान की कैटेगरी में न रखा जाए और न ही उनको किसान का दर्जा दिया जाए, जिससे जमाखोरी ना हो और उपभोक्ताओं के हितों में बाधा ना पहुंचे। किसान संघ द्वारा किसान आंदोलन की आड़ में विरोध के गलत तरीके अपनाए जाने का भी विरोध किया गया। किसान संघ ने केंद्र सरकार से कृषि बिलों में उपरोक्त संशोधन सहित पारित करने की मांग की गई। इस अवसर पर किसान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रोशनलाल सैनी, खंड के अध्यक्ष सूरज ठाकुर, संदीप ठाकुर व नंदलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। बात क्या है कि कंपनियों की जिस स्टेट में वो बिजनेस करना चाहती है उस स्टेट के अंदर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए जिसमें कंपनी का पूरा पंजीकृत नाम हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, साथ में बैंक की उसकी गारंटी हो, जिससे किसान का जो पैसा है सुरक्षित रहे। क्योंकि ऐसा देखने में आया है कंपनियां जो है किसानों से माल ले जाती है गांव से और वो कंपनी बाद में भाग जाती है, किसान को पैसा नहीं मिलता। ऐसा हमारे हिमाचल में सेब के व्यापारियों के साथ भी कई बार ऐसा धोखा हुआ। अभी टमाटर की जो फसल आई बल के अंदर उसके साथ भी ऐसा कुछ किसानों के साथ धोखा हुआ, अभी तक कुछ किसानों को पैसा नहीं मिला है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम ये भी भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि इस कानून के अंदर कुछ संशोधन करके इसको लागू किया जाए, इसको जो है इस कानून को ख़त्म नहीं किया जाए। जैसे और किसान संगठन ये डिमांड कर रहे हैं कि इस कानून को वापस ले लिया जाए, तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए। हमारी ये मांग नहीं है, हम ये मांग दोबारा बार बार कर रहे हैं कि इस कानून को लागू किया जाए, क्योंकि एक देश है, एक बातचीत होनी चाहिए। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो दिल्ली में जो भारतीय किसान संघ इसका विरोध करता है, क्योंकि जो दिल्ली में किसान लोग संगठन बैठे हैं वो कुछ राजनीतिक लोगों के साथ मिलजुल कर इस संगठन को चला रहे हैं और उनकी जो डिमांड है वो 2 स्टेटों तक सीमित है। 2 स्टेटों क्योंकि और पूरा हिंदुस्तान है वो लोग कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। बिहार में लीची की फसल होती है, साउथ इंडिया में भी धान की फसलें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, गुजरात में भी और महाराष्ट्र को देखा जाए तो वो लोग कोई ऐसी उनकी डिमांड नहीं है। मेरी तो भारत सरकार से ये भी डिमांड है कि ये जो 2 स्टेटों का जो स्ट्राइक चल रही है ये 2 स्टेटों के ऊपर छोड़ दिया जाए और इस कानून को जो है पूरी तरह लागू कर दिया जाए कुछ संशोधनों को करके, कंपनियों को किसान की कैटेगरी में नहीं रखा जाए। जो गवर्नमेंट ने उसमें कुछ प्रावधान किया है कि कंपनियां किसान की कैटेगरी में रहेगी, तो कंपनियों को कंपनी एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया जाए और किसान को किसान की कैटेगरी में रहना दिया जाए, जिससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो किसानों को बेनिफिट मिलेंगे वो ऐसा ना हो कि ये कंपनियां उस बेनिफिट को लेकर कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो जाए और किसानों के साथ वहाँ धोखा हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। और इस आगे की बात यह है, किसान जो है मैं किसानों से डिमांड करता हूँ कि वो भी अपने बच्चों को इस काम में लगाएं, क्योंकि वो ज़माना चला गया कि जिस में अनपढ़ बेटे को आप खेती में लगाते थे,